हेलो बच्चों, चलिए आइए। आज हम लोग एक सब्जेक्ट देख रहे हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक सब्जेक्ट का नाम है और ये इलेक्ट्रिकल 6M में हमारे पास दिया गया है। इस सब्जेक्ट में एक टॉपिक है हमारे पास टेम्परेचर मेजरमेंट। तो आज हम टेम्परेचर मेजरमेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो टेम्परेचर मेजरमेंट के अंदर हमारे पास जितने भी ट्रांजिस्टर और सेंसर जिस भी प्रिंसिपल के थ्रू हमारे पास बनने वाला है, उसके लिए जो भी नाम होगा और उसका वर्किंग और उसका जो भी लिमिटेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह होगा, वो सब सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो ये सारे टॉपिक को हम थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। बहुत सारे थर्मोमीटर होते हैं जो कि अलग अलग प्रिंसिपल पर काम करता है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक 6 हमारे पास टेक्निक है जिसके थ्रू हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने से पहले हमको यह मालूम भी होना चाहिए कि हमारे पास कितने यूनिट्स हैं जो अलग अलग टाइप से हैं और वो कौन कौन से यूनिट है, प्लस उनके बीच कौन कौन से रिलेशनशिप है, उसे भी हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे जानते हैं कि हमारे पास एक डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, डिग्री रेडियन एंड डिग्री फारेनहाइट, हमारे पास ये 4 टाइप के हमारे पास यूनिट होते हैं। इस अलग अलग यूनिट से हम किसी भी टेम्परेचर का मेजरमेंट लेते हैं, उसका यूनिट उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ मेजर करते हैं। तो ये सारे यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स का एक दूसरे से एक रिलेशनशिप वाला हमारे पास फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से, जो कि डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, अगर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच का हम लोगों को यहाँ पर अगर रिलेशनशिप देखना है तो ये कुछ इस तरीके से होता है 5/9 ब्रैकेट में फारेनहाइट -32। मतलब फारेनहाइट का अगर वैल्यू पता है हमको किसी भी टेम्परेचर का, फारेनहाइट यूनिट का हमको पता है, तो हम उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली डिग्री केल्विन में अगर हमको कैलकुलेशन करना है और हमारे पास डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है, उसमें सिर्फ एडिशन किया जाता है 273.2 का, हम इसमें एडिशन करते हैं मैग्नीट्यूड का और हमारा वो डिग्री सेल्सियस डिग्री केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड सिमिलरली डिग्री रेडियन को हम लोग डिग्री फारेनहाइट में कर दिया हुआ है, तो उसमें सिर्फ एडिशन 459.7 का हम यहाँ पर एडिशन करते हैं और वो डिग्री रेडियन में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा यूनिट जिसमें हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। ये अलग अलग साइंटिस्ट ने हमको अलग अलग यूनिट्स दिए हुए हैं और अलग अलग यूनिट्स के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर कन्वर्जन भी कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर रिलेशन। वैसे ही हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कि जिसका टेम्परेचर का पर्टिकुलर फेस चेंज करता है। जैसे मान लीजिए एक मटेरियल है जो मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट फेस अडॉप्ट करता है। जैसे कि अलग अलग फेस कहने का मतलब ये है, एक कुछ टेम्परेचर में पर्टिकुलर मटेरियल गैस के फॉर्म में होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वह सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर का कन्वर्जन होता है जब हमारा टेम्परेचर का कन्वर्जन अगर सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, या लिक्विड से गैस में हो रहा है, या गैस से लिक्विड में, या लिक्विड से सॉलिड में। तो इस तरीके से अगर हमारा टेम्परेचर के चेंजेस के अकॉर्डिंगली अगर किसी मटेरियल में हमारा चेंजेस हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, तो उसका भी अलग अलग नाम होता है। तो उस नाम को भी हम जानते हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट अगर बोला जा रहा है तो किसी भी मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग सेट कर रहे हैं या बता रहे हैं, इसका मतलब बस ये होता है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद पर्टिकुलर मटेरियल जो लिक्विड के फॉर्म में है वो गर्म होने के बाद वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर होता है, पानी को हम अगर हम गर्म कर रहे हैं तो 100 डिग्री जो हमारे पास है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के बाद अगर हम उसको राइज करते हैं तो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस 100 डिग्री सेल्सियस को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो वैसे ही हमारा बहुत सारे फेज होते हैं जिस टेम्परेचर के बाद हमारा फेज चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे पानी ही है हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद वो गैस हमारा लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जैसे आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे टेम्परेचर के चेंजेस के कारण हम मटेरियल्स में चेंजेस देखते हैं। तो उस चेंज के कारण हम यहाँ पर कुछ सेंसिंग एलिमेंट्स बनाते हैं, कुछ ट्रांसड्यूसर बनाते हैं
कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण, मटेरियल के अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होने के कारण हम कई सारे ऐसे ट्रांजिस्टर बनाते हैं जो टेम्परेचर सेंसिंग का काम करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ, यहाँ पर मैं 6 टाइप के अलग अलग टाइप के टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करूँगा और इसको हम लाइन बाय लाइन समझते जाते हैं कि ये टॉपिक किस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे पहला हम लोग देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास पहला है ग्लास थर्मोमीटर। ग्लास थर्मोमीटर किसे कहते हैं? आप आमतौर पर देखे होंगे डॉक्टर्स के पास या फिर साइंटिफिक लैब में हमारे पास सेल्सियस एंड फारेनहाइट के हमारे पास ट्यूब होते हैं जिसमें मरकुरी, एक एंड में मरकुरी भरा होता है और दूसरा एंड हमारा क्लोज वेसल के फॉर्म में बंद हुआ होता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक ग्लास का, कांच का या फाइबर का हमारे पास इस तरीके का ट्यूब होता है और एक लास्ट एंड में हमारे पास एक ट्यूब होता है जिसमें हम मरक्यूरी को इसमें भरते हैं। मरक्यूरी या फिर ऐसा लिक्विड जिसको हम, जिसके रहने से यहाँ पर टेम्परेचर सेंसिंग होता है, सेंस किया जाता है और वो एक्सपांड होते हुए एक कैपिलरी की तरह यहाँ पर पतला सा ट्यूब बना जाता है, केस नलिका जिसे भी कहा जाता है। दूसरा कैपिलरी ट्यूब की तरह हमारे पास यहाँ पर होता है जिसमें वो मरक्यूरी धीरे धीरे ऊपर एज अ टेम्परेचर पर अडॉप्ट करते हुए थर्मल एक्सपांशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंगली वो आगे ऊपर बढ़ता चला जाता है। और पर्टिकुलर लेवल को देखकर हम समझ पाते हैं कि पर्टिकुलर लेवल पर अगर मान लीजिए मरक्यूरी का ये लेवल है, इस लेवल को इंडिकेट करता हुआ हमारे पास एक मार्किंग होगा जिस पे स्केल डिनोट किया गया होगा जो कि या तो फारेनहाइट का या डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग मार्किंग होती है जिसपे हम देखकर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम यहाँ पर मेजर कर पाते हैं। तो ये एक डॉक्टर के पास जैसे होता है या साइंटिफिक लैब में जैसे पाया जाता है, इस तरीके का हमारे पास फीचर्स होते हैं जो कि ग्लास थर्मोमीटर में हम देखते हैं। इस टॉपिक को और एक्सपांड करके हम नेक्स्ट वीडियो में और समझेंगे। तभी इस टॉपिक को समझने के लिए ये है कि हमारे पास एक ग्लास का एक ट्यूब जैसा नली होता है जिसपे हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं और यहाँ जो ट्यूब नीचे जो सेंसिंग एलिमेंट होता है वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिक्विड को यूज किया जाता है, जस्ट लाइक एल्कोहल या हमारा जो मरकुरी होता है, और इस तरीके के जो सेंस टेम्परेचर को सेंस करता है और अपने लिक्विड में थर्मल एक्सपांशन करता है, मतलब उसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है। तो वॉल्यूम जैसे इंक्रीमेंट होता है तो वो खाली जगह जो ट्यूब के फॉर्म में है उस ट्यूब के फॉर्म में आगे बढ़ता चला जाता है, पर्टिकुलर लेवल को अचीव करता है एज पर टेम्परेचर सेंस करते हुए। तो ये उसका प्रिंसिपल है थर्मल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड से हमारा थर्मल एक्सपांशन होता हुआ ये थर्मोमीटर इस तरीके से वर्क करता है। तो ये हो गया हमारा ग्लास थर्मोमीटर। इसके बाद आता है हमारा प्रेशर गेज थर्मोमीटर। तो प्रेशर गेज थर्मोमीटर में भी ये इसी तरीके का सिमिलर प्रोसेस होता है, बट यहाँ पर जो हमारे पास ट्यूब होता है और इसके जो लिक्विड होती है, जिस लिक्विड को हम यहाँ पर एज अ सेंसिंग लिक्विड के फॉर्म में जो यूज कर रहे हैं, उसमें थर्मल एक्सपांशन कुछ ज्यादा ही होता है। और दूसरा एंड में हम यहाँ पर इसकी जो दूसरी एंड होती है उसमें हम अलग अलग टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम जो वर्डन ट्यूब के फॉर्म में अगर हम यहाँ पर एक प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट को अगर लगा रहे हैं जिसका इस लिक्विड के कारण टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसका वेपोराइजेशन होना शुरू हो जाता है और वेपोराइजेशन टेम्परेचर के कारण बढ़ने से वो वेपर हमारा जो बर्डन ट्यूब के फॉर्म में जिस मैकेनिकल अरेंजमेंट को हम इसमें अटैच किए हुए होते हैं वो उसमें इस प्रेशर इंजेक्ट करने का काम करता है। तो उस प्रेशर को मेजर करते हुए हम प्रेशर को देखते हैं और वो प्रेशर एक्चुअली डायरेक्टली हमारा डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के साथ। सो इसीलिए हम यहाँ पर जो प्रेशर जो जनरेट कर रहा है उसके थ्रू हम एक नेडल बनाकर हम इस तरीके से यहाँ पर स्केल बनाकर यहाँ पर टेम्परेचर का मेजरमेंट डायरेक्टली कर पाते हैं। तो यहाँ भी थर्मल एक्सपांशन हो रहा है, बट थर्मल एक्सपांशन के कारण हमारे यहाँ पर वेपोराइजेशन प्रोसेस भी कंटिन्यू हो जाता है। तो वेपोराइजेशन होने के कारण इसमें जो ट्यूब होती है इसके अंदर ट्यूब में एक प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है, लिक्विड का गैस के फॉर्म में कन्वर्जन होना प्लस उसका प्रेशर क्रिएट करना, यही प्रोसेस होने के कारण हमारा यहाँ पर ये प्रेशर गेज मेजरमेंट टाइप का हमारा थर्मोमीटर होता है।
ये प्रेशर गेज से थ्रू हम यहाँ पर टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, इसीलिए इसका नाम हमारा प्रेशर गेज थर्मोमीटर पड़ा है। तो ये हो गया हमारा प्रेशर गेज टाइप का थर्मोमीटर, जिसमें वेपराइजेशन टेक्निक को यूज करते हुए टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा जो थर्ड टॉपिक है यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्सपांशन थर्मोमीटर। यहाँ पर भी थर्मल एक्सपांशन होता है, बट यहाँ पर अब थर्मल एक्सपांशन हम मेटल के साथ करते हैं। मतलब हमको ये पता है कि अगर हम किसी भी मेटल को अगर हम टेम्परेचर दें तो उसका एक थर्मल एक्सपांशन प्रॉपर्टी होती है। हर एक मेटलिक मटेरियल में थर्मल एक्सपांशन प्रॉपर्टी होती है, कुछ में बहुत ज़्यादा होती है, कुछ में बहुत कम होती है। तो ये प्रॉपर्टी हर मटेरियल में होता है, मेटलिक मटेरियल में होता है। तो हम यहाँ डिफरेंट दो टाइप के मटेरियल को यूज़ करते हैं, जिसमें एक में थर्मल एक्सपांशन बहुत ज़्यादा होता है और दूसरे प्रॉपर्टी जिसकी थर्मल एक्सपांशन बहुत कम होती है। तो हम इस टाइप के दो मेटल को यूज़ करते हैं। ये ऊपर वाला मेटल ए होता है, मेटल बी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसका थर्मल एक्सपांशन, ए का थर्मल एक्सपांशन बहुत ज़्यादा है और बी का थर्मल एक्सपांशन बहुत कम है। और इस चीज़ को अगर हम किसी भी टेम्परेचर सेंसिंग फिजिकल पैरामीटर्स के पास अगर इसको प्लेस किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी ऐसी जगह का टेम्परेचर मेजरमेंट करना है जहाँ थर्मल एक्सपांशन के थ्रू बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, उसको अगर मेजरमेंट करना है तो हम इस टाइप से यूज करते हैं। इसमें होता यह है कि ए का थर्मल एक्सपांशन ज़्यादा हो रहा है और बी में थर्मल एक्सपांशन कम हो रहा है। इससे होता यह है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण हम अगर एक एंड को अगर हम फिक्स रख दें तो ये जो दूसरा एंड फ्री होगा वो कुछ इस कर्व शेप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा ऊपर वाला जो कर्व है, जो ऊपर वाला है वो ज़्यादा कर्व लेता है और नीचे वाला मटेरियल कम कर्व लेता है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर एक बैंड नजर आता है, इस तरीके से डिफ्लेक्शन दिखता है हमको। एक जो दूसरा एंड होता है हमारा डिफ्लेक्ट होते हुए एक डिफरेंट पोजीशन को अचीव करता है। तो इस पोजीशन चेंजिंग प्रॉपर्टी जो कि थर्मल एक्सपांशन के कारण हो रहा है, इसी को ही हम यहाँ पर स्केल के फॉर्म में यूज करते हैं। और यहाँ पर इंडिकेटर लगाते हुए हम यहाँ पर टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। तो इस केस में भी हमारा थर्मल एक्सपांशन हो रहा है और ये थर्मल एक्सपांशन के कारण जो मेटल में जो थर्मल एक्सपांशन हो रहा है उसके कारण हम टेम्परेचर का मेजरमेंट कर पाते हैं। तो इस केस में भी एक्सपांशन हो रहा है, बट ये मेटल में हो रहा है, ये लिक्विड में होता है और ये भी लिक्विड में होता है। तो यहाँ पर लिक्विड में हो रहा है, बट इसमें लिक्विड में वेपराइजेशन टेक्निक लग रहा है, यहाँ वेपराइजेशन हो जाता है इसलिए प्रेशर यहाँ पर जनरेट होता है। तो ये एक डिफरेंट टाइप का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। आगे देखेंगे हमारा जो फोर्थ टाइप का जो यहाँ पर टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट है, जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में क्या होता है, हमारा रेजिस्टिव प्रॉपर्टी में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। मतलब हम ऐसे मटेरियल को यूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, जिसमें रेजिस्टेंस में चेंज होने की प्रॉपर्टी होती है। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे जब पढ़े थे हम, डेल्टा आर, मतलब रेजिस्टेंस में चेंजेस होता है जब हमारा पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पर अगर कोई रेजिस्टेंस है तो उसके लिए हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम एक रिलेशनशिप देखते हैं कि रेजिस्टेंस के बढ़ने से हमारा पर्टिकुलर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये अल्फा बीटा और गामा हमारा जो कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हमारा अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए आप आयरन के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो अल्फा बीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी, और एल्यूमिनियम का अगर या फिर कॉपर या जिंक इस तरीके के मटेरियल्स के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको अलग अलग मटेरियल के लिए अल्फा बीटा और गामा का एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। यहाँ पर जो हम टी लिख रहे हैं ये टी अप्लाइड टेम्परेचर
टेम्परेचर है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो अप्लाई किया गया है उसके कारण हमारा रेजिस्टेंस में चेंजेस नजर आता है, रेजिस्टेंस आता है। तो यहाँ पर आर टी जो लिखा गया है, यहाँ पर हम एक रेफरेंस टेम्परेचर लेते हैं, मान लीजिए टी की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस है, जीरो डिग्री सेल्सियस है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर पर्टिकुलर मटेरियल जो रेजिस्टेंस शो करता है उसको हम आर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए आर 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए 100 ओम का रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये आर 0 डिग्री सेल्सियस पर ये कांस्टेंट हो जाता है। मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अलग अलग कांस्टेंट हमको रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा ये भी कांस्टेंट है, यहाँ अल्फा बीटा और गामा भी कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ हमारा टेम्परेचर होता है। तो वेरिएबल यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर नजर आ रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारा वैसे वैसे रेजिस्टेंस पर्टिकुलर मटेरियल का भी रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट नजर आएगा। तो यहाँ पर एक चीज देखते हैं हम, दो प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है कि टेम्परेचर जब राइज होता है, टेम्परेचर जब इंक्रीमेंट होता है तो हमारा रेजिस्टेंस में भी इंक्रीमेंट नजर आता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के मटेरियल ऐसे होते हैं जब हम टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस में डिक्रीमेंट नजर आता है। तो कुछ इस तरीके का प्रॉपर्टी यहाँ पर शो होता है। तो ये चीज को हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि यदि हमारा टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में वेरिएशन कुछ इंक्रीमेंट के फॉर्म में है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब यह है कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोएफिशिएंट मटेरियल। इस टाइप के मटेरियल को बोला जाता है पॉजिटिव कोएफिशिएंट मटेरियल। और यदि हमारा टेम्परेचर इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, या ऐसा बोला जाए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो इस केस में हम बोलते हैं इसको नेगेटिव कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं नेगेटिव कोएफिशिएंट टाइप के मटेरियल्स। यदि हमारा टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो पॉजिटिव कोएफिशिएंट, और टेम्परेचर का रेजिस्टेंस में डिक्री आ रहा है, कमी आ रही है, तो हमारे यहाँ पर वो नेगेटिव कोएफिशिएंट कुछ इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से हम देख पाए कि हमारे पास जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच जो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली अगर हम कोई थर्मोमीटर या फिर कोई ट्रांसड्यूसर स्टडी करते हैं तो हमको यहाँ पर दो बात भी ध्यान रखनी होती है कि हमारा एक नेगेटिव कोएफिशिएंट और पॉजिटिव कोएफिशिएंट पॉइंट्स को भी हमको ध्यान रखना होता है, जिसके थ्रू भी हम ये समझ पाते हैं कि हमारा ये किस टाइप का मटेरियल है। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली हम अगर समझें तो हमारा अगर पॉजिटिव कोएफिशिएंट मटेरियल है तो हमारे ग्राफ कुछ इस तरीके से इंक्रीमेंट के फॉर्म में अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से चलता है अगर ये पॉजिटिव कोएफिशिएंट मटेरियल है। अगर नेगेटिव कोएफिशिएंट मटेरियल से ग्राफ कुछ इस तरीके से नेगेटिव थी, मतलब जो इसका झुकाव जो हमारा नीचे की ओर होता है, इनवर्ड डायरेक्शन होता है, इसका अपवर्ड डायरेक्शन होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ डिफरेंशिएट ग्राफ को भी देखते हुए कर पाते हैं कि हमारा वो मटेरियल किस टाइप की प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है या शो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल टाइप का, जो कि रेजिस्टिव मटेरियल है जो रेजिस्टेंस में चेंज करता है टेम्परेचर के साथ। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ थर्मोकपल। थर्मोकपल एक डिफरेंट टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है मटेरियल, जिसमें हम यहाँ पर थर्मोकपल, यहाँ पर जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है थर्मो मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और यहाँ पर कपल का कहने का मतलब होता है यहाँ पर कोई दो मटेरियल होना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास ए मटेरियल का एक मटेरियल है और दूसरा बी टाइप का मटेरियल का भी डिफरेंट टाइप का मटेरियल है, तो इस दोनों मटेरियल के एक एंड को अगर इस तरीके से ज्वाइन कर दिया जाए, एक एंड को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए और इसको किसी डिफरेंट टेम्परेचर सेंसिंग, मतलब मान लीजिए ये हॉट जंक्शन है, अगर ये किसी हॉट जंक्शन में हम इस तरीके से इसको अटैच कर देते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी शो होती है कि हमको यहाँ दो टर्मिनल जो हमारे पास मिल रहे हैं यहाँ पर ईएमएफ हमको मिलता है,
हमको यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना होता है, हमारा ए और बी दो अलग अलग मटेरियल होना जरूरी है, तब यहाँ पर इसको अगर किसी हॉट जंक्शन में हम इसको प्लेस करते हैं तब हमको दूसरे एंड में ईएमएफ मिलता है। बट ये ईएमएफ बहुत ही कम होता है, मतलब ये माइक्रो वोल्ट में होता है या माइक्रो या पिको वोल्ट में भी हो सकता है। इसका जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो बहुत माइन्यूट होता है, बहुत लो लेवल का होता है, बट यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर हम ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हम लोग वोल्टेज को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। पर्टिकुलर वोल्टेज टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यहाँ पर जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाते हैं हमारा ईएमएफ की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके का एक रिलेशनशिप दिखता है जब हम इस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना होता है कि हमारा ए और बी जो मटेरियल के जो मटेरियल मेटल हम यूज कर रहे हैं वो वेरी लो रेजिस्टिव होना जरूरी है। कारण ये है कि अगर मान लीजिए इस ये मेटल जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो मेटल अगर हमारा हाई रेजिस्टिव होगा तो इलेक्ट्रिक जो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है इसी रेजिस्टेंस में जो मेटलिक इंटरनल रेजिस्टेंस में ही सारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। तो ऐसा होगा तो हमको यहाँ पर एज अ सेंसिंग एलिमेंट हमारा ईएमएफ यहाँ पर हम सेंस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को हमको ध्यान रखना होता है कि हमारा जब ये जो थर्मोकपल है वो हमारा जिस भी मटेरियल से बनाया जा रहा हो वो हाई कंडक्टिव होना अनिवार्य है, जरूरी है। तो ये इस तरीके की प्रॉपर्टी हमको यहाँ पर शो करता है। अब जो आखिरी टॉपिक है जो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्टिकल पायरोमीटर है, जो पायरोमीटर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये एक ऑप्टिकल टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है। इसमें हम लोग करते ये है कि जो टेम्परेचर बॉडी जो होती है यहाँ इतनी हाई रेंज का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1500 to 3000 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है तो इस केस में हमारे पास ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जो इस टेम्परेचर तक इसका सेंस करने के लिए एग्जिस्टेंस बनाए रखे। मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर तक बहुत सारे मटेरियल्स का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है और वो पिघल कर ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण हम उसका जो भी हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है वो मतलब खराब हो जाता है, वो वर्क नहीं करता है। तो इस टाइप के जो हाईली टेम्परेचर जो मटेरियल होते हैं उसका अगर हमको टेम्परेचर मेजरमेंट करना होता है तब हम यहाँ पर नॉन कंटेक्टिंग ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, जैसे कि पायरोमीटर। पायरोमीटर में हम रेडिएशन और ऑप्टिकल टाइप का प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मटेरियल है, इस मटेरियल का टेम्परेचर मान लीजिए 300 डिग्री सेल्सियस में है, तो अगर ये 300 डिग्री सेल्सियस का हीट जनरेट कर रहा है तो डेफिनेटली इससे कुछ रेडिएशन डेवलप होगा। तो इस रेडिएशन जो लाइट एमिटिंग जो होती है लाइट एमिट करेगा या फिर हमको इंफ्रारेड इस तरीके के रेडिएशन हमको यहाँ पर मिलेंगे। तो उस इंफ्रारेड रेडिएशन या फिर लाइट जो विजिबल बैंड पे अगर हमको दिख रहा होगा तो उस लाइट को हम एब्जॉर्ब करते हैं पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू, जिसको बोला जाता है पायरोमीटर। पायरोमीटर से हम इसको सेंस करते हैं कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर मटेरियल किस टाइप का रेडिएशन शो करता है। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि 700 डिग्री सेल्सियस पे अगर अप्रोक्सीमेटली हमारा आयरन येलो कलर में अपना कलर शो करता है, तो येलो कलर एक आयरन के लिए 600 डिग्री सेल्सियस अगर हम यहाँ पर बैंड बना के रखे हुए हैं तो 600 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम डिफरेंट टाइप का कलर बैंड को विजिबल करता है। तो इसका मतलब यह है कि अलग अलग मटेरियल पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का विजुअल बैंड या फिर रेडिएशन फ्रिक्वेंसी जो रेडिएट करता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हम एज अ मटेरियल डिफरेंट टाइप के हर एक मटेरियल का विजुअल बैंड होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम पैरामीटर का स्केलिंग करते हैं और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हम यहाँ पर टेम्परेचर को सेंस करते हैं। तो यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्टिंग, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ये
रेडिएशन के फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और यहाँ पर उस तरीके से हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, तो इसे कहा जाता है पैरामीटर। तो इस तरीके से हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लिए कि हमारे पास कितने टाइप से थर्मोमीटर होते हैं जो टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली 6 टाइप के प्रिंसिपल है जिससे हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे प्रिंसिपल है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से किए जाते हैं, तो उसको भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये 6 टाइप के थर्मोमीटर्स हमारे पास हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट ट्रांजिस्टर के साथ और कई इन्हीं सभी के जो ट्रांजिस्टर जिस नाम से इनमें पाए जाते हैं प्रिंसिपल को यूज करते हुए उसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू।